It's alright. Hush. Hello and welcome back to my channel. If you haven't subscribed my channel yet, please subscribe and don't forget to see all my videos. You will definitely find it new and innovative. This course 2020-21 English Unit 10 My Country आज आप सभी के सामने लेकर के आई हूँ और आज इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं. एक्टिविटी 1, लुक एट दिस पिक्चर. अब ये पिक्चर आप लोग ध्यान से देख लीजिए. फर्स्ट पिक्चर, ये कहाँ की है? रेड फोर्ट. और ये क्या है? राजपथ. परेड होते हुए दिखाई दिया है. आगे चलते हैं. ये देखिए पिक्चर जो दिखाई गई है, पिक्चर दिखाई गई है जो आपके सामने, देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है. रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम. आंसर द क्वेश्चन ओरली. इसके जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो आपको ओरली देना है. और ये चीज़ एक चीज़ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आप धीरे धीरे अगर इसको करते जाएंगे तो कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और बहुत अच्छे से आप सॉल्व करते जाएंगे. तो क्वेश्चन जो है वो वन बाय वन हम लेते चले जाएंगे और सॉर्ट आउट करते जाएंगे अगर कोई प्रॉब्लम आएगी. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द क्वेश्चन ओरली. ओरली देना है. व्हाट इज स्पेशल अबाउट जनवरी 26, अगस्त 15 एंड अक्टूबर 2? तो देखिए क्या स्पेशल है 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर में. तो देखिए 26 जनवरी को क्या होता है? रिपब्लिक डे. 15 अगस्त को क्या होता है? इंडिपेंडेंस डे. और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती. तो यही स्पेशल है, ये आपको याद रखना है. सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन इवेंट्स ऑफ दीज स्पेशल डे. क्या मेन इवेंट रहते हैं? व्हाट आर द मेन इवेंट ऑफ दीज स्पेशल डेज. तो ये देखिए इसके मेन क्या रहते हैं. ये जनवरी 26 परेड इन दिल्ली एड्रेस बाय प्रेसिडेंट फॉरेन गेस्ट. तो ये जो बताया गया है वो क्या होता है कि इस दिन है ना परेड रहती है और हमारे जो प्रेसिडेंट एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट एड्रेस किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा फॉरेन गेस्ट को. बहुत ही अभी आगे आप चलेंगे तो देखते जाएंगे तो ये बहुत ही कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता चले जाएगा. अगस्त 15 को एड्रेस बाय द प्राइम मिनिस्टर. अक्टूबर 2 द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर पे रिस्पेक्ट टू गांधी जी समाधि सिंगिंग भजन. तो ये इसके मेन इवेंट्स हैं. आगे चलेंगे. Have you ever seen the Republic Day Parade? If yes, where did you see it? तो देखिए जहाँ पर आपने देखी हो वही. मैंने तो क्या है Republic Day Parade in New Delhi on राजपथ पर देखी है, इसलिए मैं ये वही लिख रही हूँ. आपने किसी विलेज में देखी होगी तो आप वहाँ पर वो विलेज का नाम दे दीजिए. आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम भी दे सकते हैं, पुलिस लाइन या डिस्ट्रिक्ट का नाम जो दे देखा हो. तो यस आई हैव सीन परेड ऑफ रिपब्लिक डे परेड इन न्यू दिल्ली ऑन राजपथ. यहाँ पर रिपब्लिक डे परेड इन एट पुलिस लाइन ग्वालियर, ये भी लिख सकते हो आप. फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर हैव यू हर्ड ऑफ रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली. क्या आपने सुना है रेड फोर्ट के बारे में, न्यू दिल्ली के बारे में? व्हाट हैपन्स एट रेड फोर्ट ऑन द इंडिपेंडेंस डे, क्या होता है? येस आई हैव हर्ड ऑफ रेड फोर्ट. मैंने सुना है रेड फोर्ट के बारे में इन न्यू दिल्ली. द प्राइम मिनिस्टर होस्ट द नेशनल फ्लैग. प्राइम मिनिस्टर जो है वो नेशनल फ्लैग राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं एंड एड्रेस द नेशन, एड्रेस करते हैं नेशन को फ्रॉम रेड फोर्ट न्यू दिल्ली, लाल किले से दिल्ली में. हु इज कॉल्ड फादर ऑफ नेशन, वाई? महात्मा गांधी इज कॉल्ड फादर ऑफ नेशन. किसे कहा गया है? महात्मा गांधी को, बिकॉज ही लेड द फ्रीडम
मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, क्योंकि इन्होंने आज़ादी में जो मूवमेंट हुआ था ब्रिटिश रूल के विरुद्ध, उसमें नेतृत्व किया था, महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। क्वेश्चन 6 है, हाउ डू यू सेलिब्रेट रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे इन योर स्कूल, कैसे मनाते हो आप? तो इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे आर सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट पॉम्प, महान उत्साह के साथ इन अवर स्कूल में मनाया जाता है। द फ्लैग इज होस्टेड, ध्वज को फहराया जाता है एंड कल्चरल इवेंट्स आर हेल्ड ऑन नेशनल फेस्टिवल, और इस राष्ट्रीय त्योहारों पर क्या होता है, हमारे कल्चरल इवेंट होते हैं, सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। एक्टिविटी सेकंड है, बहुत ही प्यारा पैसेज है, रीड द फॉलोइंग पैसेज। रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर, 26 जनवरी को मनाया जाता है प्रत्येक साल। ऑन दिस डे आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड, हमारा जो संविधान उसको ग्रहण किया गया था। ऑन दिस डे इन द नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली द रिपब्लिक डे परेड इन द स्टार अट्रैक्शन, नेशनल कैपिटल जो हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है वहाँ पर परेड का आयोजन जो किया जाता है वो स्टार अट्रैक्शन मुख्य आकर्षण होता है। बिफोर द परेड बिगन्स, और परेड के शुरू होने से पूर्व द प्राइम मिनिस्टर विजिट करते हैं अमर जवान ज्योति, द फ्लेम ऑफ द इमोर्टल सोल्जर, अमर शहीदों की यादों में चलती हुई ये जो ज्वाला है, एट इंडिया गेट, इंडिया गेट पर, एंड पे रिस्पेक्ट टू सोल्जर, और यहाँ पर आदर प्रेषित करते हैं सोल्जर्स के लिए। दिस इज फॉलोड बाय द होस्टिंग ऑफ नेशनल फ्लैग बाय द प्रेसिडेंट, के द्वारा राष्ट्रध्वज जो है वो फहराया जाता है, एकम्पेंड बाय आर 21 गन सैल्यूट, 21 जो गन है तो वो की सलामी दी जाती है, एंड द सिंगिंग ऑफ द नेशनल एंथम, और राष्ट्रध्वज को गाया जाता है। द परेड एट राजपथ बिगिंस विद द विनर ऑफ ब्रेवरी अवार्ड सैल्यूटिंग द प्रेसिडेंट, दो राजपथ में शुरू होती है, विनर्स ऑफ ब्रेवरी अवार्ड सैल्यूट करते हैं जिसको प्रेसिडेंट। दिस इज फॉलोड बाय अ डिस्प्ले ऑफ वेरियस टैंक्स हैं, मिसाइल्स हैं, अदर इक्विपमेंट रहते हैं रिसेंटली एडेड टू द मिलिट्री में, वो यहाँ पर डिस्प्ले किए जाते हैं, सामने से गुजारे जाते हैं, दिखाए जाते हैं। इस सब आफ्टर दिस देयर इज अ मार्च पास्ट होता है ऑफ द डिफरेंट रेजिमेंट, अलग अलग रेजिमेंट का, ऑफ द आर्म फोर्सेस का, द पार्लियामेंट्री फोर्सेस, द होम गार्ड एंड द नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी का, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स टच द सैल्यूट, सैल्यूट देते हैं। दिस इज फॉलोड बाय एन अट्रैक्टिव डिस्प्ले होता है ऑब्जिबिस द टेबल्यूज फ्रॉम डिफरेंट स्टेट, अलग अलग स्टेट का। स्कूल चिल्ड्रन टेक पार्ट इन वेरियस कल्चरल प्रोग्राम, स्कूल विद्यालय के जो बच्चे होते हैं वो हिस्सा लेते हैं सांस्कृतिक गतिविधियों में, और जो फाइनल इवेंट होता है इस दिन का मोटरसाइकिल डेयर डेविल, जो साहसिक जो राइडर्स होते हैं, एंड फ्लाई पास्ट बाय इंडियन एयरफोर्स फाइटर जेट्स ओवर राजपथ, ये मुख्य फाइनल इवेंट रहते हैं। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अ सेंटेंसेस, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ 26 जनवरी। तो ये क्वेश्चन आपको जो है वो बहुत ही आराम से आपके फर्स्ट वाले इसमें मिल जाएगा। ये देखिए मैंने टिकआउट किया हुआ है ऑन 26 जनवरी 1950 अवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान वॉज अडॉप्टेड। What is अमर जवान ज्योति? It refers to the flame of the immortal soldier. ये flame है, ज्योति है अमर शहीदों की at India Gate पर New Delhi में। What is the star attraction of the Republic Day? The parade on Rajpath. ये इसका जो answer है वो भी आपको, आप ऊपर देखेंगे पैसेज पढ़ा है उसमें सब कुछ मिल रहा है, और एक बार आप सर्च करिएगा द परेड ऑन राजपथ इन न्यू दिल्ली इज द स्टार अट्रैक्शन ऑफ द रिपब्लिक डे। व्हाट इज द फाइनल इवेंट ऑफ द परेड? द फाइनल इवेंट ऑफ द डे इज द मोटरसाइकिल डे, ये देखिए दिया हुआ है, डेविल राइडर्स एंड द फ्लाई पास्ट बाय इंडियन एयरफोर्स फाइटर जस्ट ओवर राजपथ।
एक्टिविटी 3 जो है, रीड द फॉलोइंग पैसेज. वंस महात्मा गांधीज फादर बॉट हिम द बुक. एक बार क्या हुआ, महात्मा गांधी जी के पिता ने बुक खरीदी, श्रवण पितृभक्ति नाटका. ही रीड इट विथ ग्रेट इंटरेस्ट, और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ उसे पढ़ा. ही वॉज वेरी प्लेज्ड वेन ही सॉ द पिक्चर ऑफ श्रवण. उनको दी थी, उनके पिता ने उनको एक किताब दी थी, श्रवण पितृभक्ति नाटक. उसको उन्होंने पढ़ा बहुत ही उत्साह के साथ में. ही वॉज वेरी प्लीज्ड और बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हुए व्हेन ही सॉ द पिक्चर ऑफ श्रवण. ये दी हुई है पिक्चर आपके सामने, श्रवण की पिक्चर दी हुई है. पिक्चर को देख के हिज ब्लाइंड पेरेंट्स को टू होली प्लेस. वो आपने श्रवण के बारे में सुना है ना, कि तराजू जैसे उसमें दोनों माता पिता को तौल करके और वो है ना उनको दर्शन कराने के लिए, भ्रमण कराने के लिए निकल जाते हैं, धार्मिक यात्रा कराने के लिए. तो वो यहाँ पर बताया गया है, ब्लाइंड पेरेंट्स आर होली प्लेसेस. द पिक्चर हैड अ ग्रेट इफेक्ट ऑन हिम, और इस पिक्चर ने उनके ऊपर बहुत ही प्रभाव डाला. हे इज एन एग्जाम्पल फॉर यू टू कॉपी. यहाँ पर एग्जाम्पल है आपके सामने कॉपी. ही सेड टू हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप से बोला, ही कुड नेवर फॉरगेट श्रवण लव फॉर हिज पेरेंट्स. वह कभी भी नहीं भूल सकते श्रवण की पितृभक्ति अपने माता पिता के लिए. वन डे श्रवण के प्यार को अपने माता पिता के लिए. वन डे महात्मा गांधी गॉट हिज फादर्स परमिशन. एक दिन महात्मा गांधी अपने पिता के परमिशन टू सी द प्ले हरिश्चंद्र देखने गए. ही लाइक द प्ले वेरी सो मच, बहुत ज़्यादा पसंद किया. ही वॉच इट मैनी टाइम्स, कई बार देखा. ही एक्टेड द रोल ऑफ हरिश्चंद्र अगेन एंड अगेन, और वो रोल करने उन्होंने रोल किया हरिश्चंद्र का बार बार. डे एंड नाइट ही आस्क्ड हिमसेल्फ, दिन और रात, और वह पूछते थे अपने आप से, वाई शुड नॉट ऑल बी ट्रूथफुल लाइक हरिश्चंद्र. सभी लोग क्यों हरिश्चंद्र जैसे सच नहीं बोलना चाहते हैं. द प्ले मेड हिम क्राई, और ये प्ले उनको रुला देता है. इट इंस्पायर्ड करता है, प्रेरित करता है हिम टू फॉलो ऑफ सत्य इवन इन डिफिकल्ट टाइम्स, कठिन परिस्थितियों में. अब ये बेस्ड है ऑन एक्सट्रैक्ट उद्धरण फ्रॉम महात्मा गांधीज ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ. महात्मा गांधी ने एक किताब लिखी है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, उसमें उन्होंने ये पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसी में से ये पैसेज ली गई है. अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. वॉट वॉज द नेम ऑफ द बुक द महात्मा गांधीज फादर ब्रॉट, जो महात्मा गांधी जी के पिता ने जो किताब खरीदी थी उसका नाम क्या था. द नेम ऑफ द बुक वॉज श्रवण पितृभक्ति नाटका. विच पिक्चर इन बुक हैड अ ग्रेट इफेक्ट ऑन महात्मा गांधी, कौन सी पिक्चर ने ग्रेट इफेक्ट डाला था. अभी आपके सामने दिखाया गया ना आपको, ये कौन सी पिक्चर थी, ये देखिए, ये दी हुई है ना, ये पिक्चर थी द पिक्चर ऑफ श्रवण. श्रवण की पिक्चर, कैरिंग हिज ब्लाइंड पेरेंट, जो टांगे हुए अपने माता पिता को, ऑन हिज सोल्जर अपने कंधों पर, हैड अ ग्रेट इफेक्ट, महान प्रभाव डाला महात्मा गांधी पर. व्हाट डिड महात्मा गांधी नेवर फॉरगेट अबाउट श्रवण, क्या चीज़ नहीं भूलते थे वो, कभी नहीं भुलाया. ही कुड नॉट फॉरगेट श्रवण लव, श्रवण के प्यार को उनके माता पिता के लिए. Which play did महात्मा गांधी see many times? कौन से नाटक को महात्मा गांधी ने कई बार देखा. He saw, देखा, the play हरिश्चंद्र many times, कई बार. What inspired him to follow the path of सत्य, प्रेरित क्या प्रेरित करता है उनको the follow of path, सत्य के रास्ते पर चलने के लिए. द प्ले इंस्पायर्ड, इस नाटक ने प्रेरित किया, हरिश्चंद्र नाटक ने प्रेरित किया फॉलो द पाथ ऑफ सत्य, सत्य के राह पर चलने के लिए. एक्टिविटी 4 जो है, मेक पजेसिव फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन ब्लो. एन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू. फादर, फादर्स पिता का. सिस्टर, सिस्टर्स. ब्रदर्स, ये आपको यहाँ कॉमा लगाना है, पोस्ट ऑफ ईयर्स और एस. ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स. चिल्ड्रंस, चिल्ड्रंस. ये ध्यान रखिएगा, ग्रैंड पेरेंट्स में इस प्रकार से और सब में इस प्रकार से लगना है. आगे देखते हैं. नाउ कंप्लीट द सेंटेंस विद द न्यूली
फॉर्म वॉट? महात्मा गांधी गॉट हिज फादर्स परमिशन टू वॉच द प्ले. माई ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे दादा दादी के हाउस इन अ विलेज. घर कहाँ पर है? गांव में. आई गो देयर ड्यूरिंग द वेकेशन. और मैं वहाँ जाता हूँ छुट्टियों में. सॉरी. दिस इज माई सिस्टर्स बुक. यह मेरी बहन की किताब है. सी रीड्स इट एवरी डे. से प्रतिदिन पढ़ती है. वी हैव अ चिल्ड्रंस साइंस पार्क इन भोपाल. चिल्ड्रंस साइंस पार्क है भोपाल में. यू कैन सी मॉडल ऑफ प्लेनेट देयर. दिस इज माई ब्रदर शर्ट. है मेरे ब्रदर की शर्ट है. ही बॉट इट फॉर दिवाली. दिवाली में खरीदा था. आगे देखते हैं. एक्टिविटी 5. रीड द फॉलोइंग पोयम. आई बो टू दी मदर डिचली वाटर डिचली फ्रूटेड कूल विद द विंड ऑफ द साउथ डार्क विद द क्रॉप्स ऑफ द हार्वेस्ट द मदर. ये उद्धरण लिया गया है वंदे मातरम से. ट्रांसलेट बाय अरविंदो घोष ने ट्रांसलेट किया है. फिल इन द ब्लैंक्स. आई बो टू यू मदर. मैं झुकता हूँ मदर के लिए. द मदर हियर रिफर्स टू इंडिया. और यहाँ मदर जो बोला गया है भारत माता को बोला गया है. कूल विद द विंड ऑफ द साउथ डार्क विद द क्रॉप्स ऑफ द हार्वेस्ट. सॉरी. एक्टिविटी 6 जो है. राइट इंग्लिश नेम्स फॉर द फॉलोइंग फ्रूट्स कॉमनली फाउंड इन इंडिया. आम को क्या बोलते हैं? मैंगो. सेब को एप्पल. तरबूज को वाटरमेलन. अंगूर को ग्रेप्स. अनार को पोमेग्रेनेट. एक्टिविटी जो 7 है. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस अबाउट इंडिया बाय यूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स. नंबर 1 मध्य प्रदेश इन द सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया. ये जो नीचे दिए हुए हैं इसके थ्रू फ्री कर आपको यहाँ फिलअप करना है. लार्जेस्ट फर्स्ट आ जाएगा. K2 गॉडविन आस्टिन इज द टालेस्ट माउंटेन इन इंडिया. मेरिना विथ अराउंड 30 किलोमीटर्स इज द लॉन्गेस्ट बीच इन इंडिया. मैसनाराम इज इन द स्टेट ऑफ मेघालय इज द वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड. वाराणसी इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड. एक्टिविटी 7 हमारी कंप्लीट हो गई. इसके बाद आपको यूनिट 10 की ये वोकैबुलरी याद करना है. और बच्चों से आप अच्छे से याद कर लोगे तो कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी. तो थैंक यू. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.